स्वागत है आप सभी का टॉपिक स्टडी चैनल पर, विच इज द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। बच्चों, अपने रात के 10 बज चुके हैं और जितने बच्चे जुड़ चुके हैं, जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर देना, इसका लिंक अपने ग्रुप्स में शेयर कर देना, क्योंकि अपना आज का जो सेशन है ना, मैं डेली आपको इसमें कंसेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, डेली पढ़ाता हूँ कंसेप्ट, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट सीरीज में बदल देंगे, ठीक है, पूरा टेस्ट सीरीज में इसको बदल देते हैं, जिससे कि आपको ना एक अंदाजा तो हो जाए कि हम किस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। हम पढ़ तो चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो आज की क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सभी आंसर देंगे हर एक क्वेश्चन का, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये 25 क्वेश्चन भाई इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन ना इंपॉर्टेंट है, आपको मुश्किल लगेंगे थोड़े से, लेकिन जब आप इस कंटेंट को यूटिलाइज करोगे ना, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो थोड़े से आसान हो जाएंगे, ठीक है। लेवल देखना क्वेश्चंस का क्या है, कहां तक हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अपने सेशन में कमेंट जरूर करना जितने भी। देखो, जीएस का कंप्लीट कोर्स होता है, बस आज क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है, एक दो दिन क्वेश्चन देखते हैं हम इन चीजों का, हमें जो चीज सीखी है उसका क्वेश्चन तो आना चाहिए, ठीक है। आज क्वेश्चन कराते हैं। टाइमिंग ये मेरी पूरी यूट्यूब क्लासेस की, 4 क्लास होती है डेली, 3 बजे, 8:30 बजे, 10 बजे और 11:30 बजे, ठीक है, क्विकली करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है, कौन सा ऐसा कंप्यूटर में एरर होता है जिसको कंपाइलर आइडेंटिफाई कर सकता है, निम्नलिखित त्रुटियों में से किसकी कंपाइलर द्वारा पहचान की जा सकती है। बच्चे, बहुत आसान सा आंसर है। देखो, पहला क्वेश्चन किसका रखा है, कंप्यूटर का, आंसर क्या है, लॉजिकल एरर, ठीक है। लॉजिकल एरर को कंपाइलर C++ में क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है, दिमाग में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, दूसरा क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी, हेलीकॉप्टर की इन्वेंशन किसके द्वारा की गई थी, बताएगा कोई इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या है, आंसर क्या है, सिकोर्स्काई। देखो, वर्ड यूज कर रखा है, ठीक है, इसी से दिमाग में रखो, हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ता है और अपना आंसर भी क्या है, स्काई है इसका आंसर, ठीक है, दिमाग में रखना, इससे याद रखेंगे, स्काई इज इक्वल टू हेलीकॉप्टर, बिकॉज आसमान में हवा जहाज उड़ता है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, बेरी बेरी जो डिसीज है वो किसकी कमी की वजह से होती है। आपने सुना हुआ है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, देखो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपने सुना हुआ है, अब सवाल उसी में से आया है, कौन से विटामिन बी की वजह से, कमी की वजह से बेरी बेरी होता है, कोई कमेंट करके बता सकता है क्या है इसका आंसर, विटामिन B1 या विटामिन B2 या विटामिन B12 है, इसका आंसर क्या है, आंसर क्या है, विटामिन B2 की कमी की वजह से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, विटामिन B2 की कमी की वजह से, ठीक है, क्लियर है सभी को, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, क्लोरोफिल जो किसमें होता है, प्लांट्स में, प्लांट्स में जो क्लोरोफिल होता है उसकी खोज किस, उस नाम को किसने दिया था, ठीक है, सवाल आपसे ये पूछा गया है, क्लोरोफिल का जो पहली बार नाम दिया गया था वो किसके द्वारा गया था, किस व्यक्ति के द्वारा नाम दिया गया था, कोई बता सकता है इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कर देना। देखो, कमेंट जरूर करो, लाइव टेस्ट समझो इसे, क्या है, लाइव टेस्ट है आपका, आज कुछ 2-3 दिन आपका लाइव टेस्ट कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, आपको पता तो चलना चाहिए ना कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। आंसर क्या है इसका, आंसर क्या है इसका, डी है इसका आंसर, ठीक है, डी है इसका आंसर, कैवेंटियो नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने इसका नाम दिया था क्लोरोफिल, ठीक है। और एक चीज और, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, सवाल अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो आंसर दिमाग में रखिएगा, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, क्लोरोफिल में, ठीक है। उसके बाद देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर, अच्छा देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल ये पूछा जा रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा प्राणी है जो कि सेल थ्योरी में फिट नहीं बैठता, ठीक है, सेल थ्योरी में फिट नहीं बैठता, कौन सा ऐसा प्राणी है, ठीक है। देखिए, ये जो सेल थ्योरी आई थी ना, ये किसके लिए आई थी, जीव वस्तुओं के लिए, ठीक है, जो लाइव है, जो क्या है, लाइव है, ठीक है। अब भैया, बैक्टीरिया लाइव, फंगी लाइव, प्लांट लाइव, लेकिन जो वायरस है ना वो लाइव और अलाइव दोनों हो सकता है, जीव और अजीव दोनों हो सकता है, किस चीज पे मैटर करता है कि वो वायरस बॉडी के अंदर है या बाहर है, अगर बॉडी के अंदर है तो लाइव है, तो ये ना सेल थ्योरी पे फिट नहीं बैठता, वायरस सेल थ्योरी पे फिट नहीं बैठता, तो आंसर क्या है इसका, बी इसका आंसर है कि भैया पूछा गया डज नॉट फिट, आंसर क्या आ जाएगा,
बी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? ये क्वेश्चन ना उल्टे करके भी दिए जाते हैं, पूछा जाता है कौन सा फिट बैठता है, और फिर ये तीनों ऑप्शन दिए होंगे और ऑल ऑफ दी अबव भी ऑप्शन दिया होगा, फिर अपना आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, इस तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, ये बताइएगा ट्रांजिशन मेटल का इसमें से कौन सा क्या बोलते हैं कैरेक्टर नहीं है। फोकस करने वाली ये चीज है, हम क्वेश्चन में ना इतने कोने पे लिखा हुआ है नोट, जिसको हम कभी कभी भूल जाते हैं पढ़ना और आंसर कर आते हैं गलत। हमेशा क्वेश्चन में नोट वर्ड जरूर देख लेना है कि नहीं है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समकरण धातुओं की विशेषता नहीं है। अब भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, और जो मेटल होते हैं वो लूज इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं, तो भाई ये स्टेटमेंट ही गलत है और आंसर भी यही है। ठीक है, ए ही इसका क्या है आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, सभी को क्लियर है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है? ए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 के बाद 7th क्वेश्चन देखना, इथाइलीन किस तरीके का मॉलिक्यूल है, इथाइलीन किस तरीके का अणु है, बताइएगा। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 ना बहुत आसान है, इसका क्या आंसर हो सकता है, इथाइलीन किस तरीके का मॉलिक्यूल है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए नॉन पोलर है, नॉन पोलर। ठीक है, आयनिक तो हो ही नहीं सकता, ठीक है कोवेलेंट हो, क्या है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, दिमाग में रखना इस चीज के बाद। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए हमने एक दिन क्वेश्चन पढ़ा था इंडिया गेट किसने बनाया था, आज क्वेश्चन आया गेटवे ऑफ इंडिया किसके द्वारा बनाया गया, कोई बता सकता है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या है, जॉर्ज विटिट इसका आंसर है, जॉर्ज विटिट द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था मुंबई में, आप सभी को पता है किसके द्वारा, जॉर्ज विटिट द्वारा गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद देखेंगे पैब्लो पिकासो कहां पे है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पॉपुलर है पैब्लो पिकासो। ठीक है, कंपनी भी है इसके नाम पे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा, पैब्लो पिकासो कहां पे है, पिकासो कंपनी का नाम भी है, कहां पे, स्पेन में है। ठीक है, बहुत मशहूर है पैब्लो पिकासो, कहां पे है, स्पेन में। जो चीजें बहुत ज्यादा मशहूर होती है ना उनके बारे में सवाल पूछा जाता है, ठीक है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये मैथ मेरी फेवरेट, जिसको हम कभी भी नहीं करते हैं। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है भाई, एक इस क्वेश्चन का देखिएगा, द डिमांड कर्व फेसिंग अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, अगर क्या बोलते हैं, अगर किसी में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है तो उसके जो डिमांड का वो है, उसकी जो क्या बोलते हैं मांग है, वो कर्व ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। देखिए अगर किसी कंपनी की डिमांड ज्यादा है, ठीक है, तो दिमाग में रखना वो परफेक्टली इलास्टिक होगा, वो डिमांड बढ़ भी सकती है गिर भी सकती है, इलास्टिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो बढ़ रहा है या गिर रहा है, कंपनी में क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, तो परफेक्टली इलास्टिक होता है अगर कॉम्पिटिटिव फर्म है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फर्म का डिमांड कर्व हमेशा क्या होता है, परफेक्टली क्या होता है, इलास्टिक होता है। ठीक है, देखिएगा ये अपना भाई, अगर आप अनअकैडमी पे कोर्स लेना चाहते हो तो अमन 11 यूज करिएगा किसी भी कोर्स में, ये नहीं कि बस एक मेरा ही कोर्स, कोई भी कोर्स लो तो अमन 11 यूज कर लेना, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाओगे, मेरे जो भी कोर्स चल रहे होंगे ना सभी में आप एनरोल हो जाओगे, ठीक है ऑटोमेटिकली। ठीक है, देखिए अगर पानी की स्मेल कुछ ज्यादा बेकार हो तो उसकी जो महक है उसको कम करने के लिए हम क्या डाल सकते हैं उसमें, पानी की महक अगर बहुत खराब हो गया यानी कि पानी खराब हो गया है तो उसकी महक स्विमिंग पूल में डाला जाता है, बेसिकली क्या डाला जाता है उसकी महक को चेंज करने के लिए, बदलाव लाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या है, देखिए हमेशा क्या डाला जाता है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन डाला जाता है जिससे उसकी जो स्मेल है जो गंध है वो हट जाती है। ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन डाला जाता है। ठीक है, क्लियर रखना इस चीज को, ऐसे सवाल बहुत पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नगर होल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, नगर होल नेशनल पार्क किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या है, नीलगिरी, बहुत महत्वपूर्ण है ये बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर जो है उसका नेशनल पार्क का नाम है नगर होल नेशनल पार्क, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, दिमाग में रखना,
ठीक है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां पे है, कौन से शहर में है, बताइएगा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कौन से शहर में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या है, पुणे है इसका आंसर, पुणे में है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, देखिएगा उसके बाद व्हाट इज मीन बाय टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ का जो कॉमन तापमान है वो कितना है, बताइएगा कॉमन तापमान कितना है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर, एक एवरेज टेम्परेचर अर्थ का कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ये रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक है, हमारी पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, बहुत प्यारा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 का, आंसर क्या है, 16 डिग्री सेल्सियस, ऑन एन एवरेज इतना ही रहता है। ठीक है, ज्यादातर हमारे जो जगह है वहां पे ऑन एन एवरेज 16 डिग्री सेल्सियस रहता है ज्यादातर, तो इसलिए इसे कहा जाता है औसत तापमान। ठीक है, रायपुर किस स्टेट की कैपिटल है, जो बदली भी गई है। ठीक है, रायपुर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या है, डी छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी का जन्म कहां होता है, एक गुजरात में होता है। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कम ही आते हैं, अब ये आसान क्वेश्चन था, लेकिन पूरी पीडीएफ में 17 क्वेश्चन कराए हैं, बस एक ही क्वेश्चन ये था आसान था, इजी क्वेश्चन बस एक यही था, बाकी सभी थे मुश्किल और एवरेज जो पूछे जाते हैं। ठीक है, बहादुर शाह वॉज बोर्न इन, जैसे हम डेली करते हैं किसी एक बंदे का जो बोर्न हुआ है उसका ईयर पता करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या है, 1643 में इनका जन्म हुआ था, बहादुर शाह जफर फर्स्ट, देख रहे दिमाग में रखना, फर्स्ट पूछा गया है। ठीक है, सेकंड भी हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट का पूछा गया है 1643 में, ऐसे ईयर्स दिमाग में आने चाहिए। फर्स्ट अमेरिकन, कौन सा सबसे पहला अमेरिकन है, ठीक है, जिनको नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नोबल प्राइज से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19, बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी, क्वेश्चन नंबर 19 का क्या है, रोजवेल्ट, रोजवेल्ट को सबसे पहली बार नोबल पुरस्कार मिला गया था अमेरिका में से। ठीक है, दिमाग में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, देखो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक्सेलरेशन किसके प्रोपोर्शनल होगा, बता सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर, फॉर्मूला देखो उसके हिसाब से बता सकते हो। देखो ये जब हम इसकी बात करते हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू है, तो ये बराबर जा रहा है, तो क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके। अच्छा, इसमें ना मास दे रखा है साथ में, क्वेश्चन नंबर 20th में ना क्या दे रखा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑप्शन में दे रखा है। क्या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स है, अगर मैं इसको m को नीचे ले जाऊंगा तो फिर ये आ सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ये हो सकता है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर b है इसका आंसर। ठीक है, देखिएगा इसके बाद ये क्वेश्चन नहीं करना, करा चुका हूं, रिपीटेड क्वेश्चन है। कॉन्स्टिट्यूशन किसके द्वारा फ्रेम किया गया था, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया था, किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया था। आखिरी के दो तीन क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन है, लोकसभा में आने के लिए मिनिमम कितनी एज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या है, 25 साल वर्ष होनी चाहिए, 25 साल आयु तो होनी चाहिए अगर आप लोकसभा में आना चाहते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट के दो क्वेश्चन है, ये अगर आपसे पूछा जाए ना 24वें क्वेश्चन का ना आसान सा जवाब है, वीरेंद्र सहवाग ने ही 300 मारे थे पहली बारी। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग ने 300 मारे थे, 309 का स्कोर था उनका, बहुत पॉपुलर था, बहुत विख्यात हुआ था ये स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन अपना ऑथर के ऊपर, इंटरप्रिटेटर ऑफ मालदीव्स, ये किसने लिखा हुआ है, ये पूरी बुक किसके द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या है, जुम्पा लहरी इसका आंसर है। ठीक है बच्चों, अपना आज के सेशन के क्वेश्चन तो हुए खत्म, ये मेरा शेड्यूल है, इसको आप कभी भी देखेंगे तो क्लास पता चल जाएगी, तो आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर मुझसे जुड़े रहना है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, अपने आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं 11:30 बजे वाली क्लास में। ओके सभी को बाय।